हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। अजूर डाटा ब्रिक्स के सिक्स वीडियो में आज हम देखेंगे कि वर्क स्पेस के कोर एसेट क्या होते हैं और उसमें अजूर डाटा ब्रिक्स में शॉर्टकट क्या होता है, कैसे हम यूज करते हैं शॉर्टकट का। चलिए इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वर्क स्पेस में जो एसेट होते हैं वो हम उसको क्या करते हैं कि न्यू एसेट हम क्रिएट कर सकते हैं, मान लीजिए क्रिएट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, उसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सब इन सब एसेट को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, और मतलब कि अपने हिसाब से जो भी ज़रूरत हो हम मतलब उसे ओपन कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बिलो लिस्टेड हैं ये आपके कोर एसेट होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है क्लस्टर हो गया, नोटबुक हो गया, जॉब्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, डेटा है, रिपो है, फिर आपके क्वेरीज है आपका, फिर डैशबोर्ड है, फिर अलर्ट है। इतने कोर एसेट होते हैं, ठीक है। इसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं पहला क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? बेसिकली क्लस्टर जो होता है कि डेटाबेस में आपको एक कंप्यूट रिसोर्स प्रोवाइड करता है, जिसपे हम क्या करते हैं कोई भी अपना मतलब कि जो भी मतलब डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा साइंस हो गया, या मतलब कि डेटा एनालिटिक्स हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि अपना वर्कलोड जो होता है उसी पे मतलब रन करते हैं। जैसे मतलब कि कोई पाइपलाइन आपको है, जैसे आपने नोटबुक क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, नोटबुक में मतलब कि अपने कुछ सीक्वल क्वेरी लिखा हुआ है, आपके क्लस्टर पे ही सीक्वल क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, स्पार्क एसक्यूएल क्लस्टर पे एग्जीक्यूट होगा, या आपने मतलब कि कोई मतलब कि मान लीजिए कि पाइथन के कोई भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वो स्क्रिप्ट आपके क्लस्टर पे ही एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली क्या होता है, क्लस्टर आपको एक मतलब कि कंप्यूट पावर रिसोर्स प्रोवाइड करता है डेटाबेस को, ठीक है, वर्कलोड को रन करने के लिए, ठीक है। इसको हम कहाँ पर क्रिएट करते हैं, मैं आपको थोड़ा शो कर देता हूँ। मैं वीकली सबसे पहले देखिए देखिए मान डेटा ब्रिक्स है, ठीक है, डेटा ब्रिक्स हैं। डेटा ब्रिक्स में जब जाएंगे आप यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पर कंप्यूट, कंप्यूट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मतलब कि जितने भी क्लस्टर लिस्ट होते हैं यहाँ पर आपको क्लस्टर लिस्ट मिलेगा। जब ही आप जाएंगे यहाँ पर नया क्लस्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो लिस्टेड होते हैं देख लीजिए, एक क्लस्टर है, जैसे मतलब कि पॉलिसी होती है, फिर आपका मतलब कि मतलब क्लस्टर डिटेल्स होते हैं, सब ये सब डिटेल कॉन्फिगर होते हैं, इसको हम तब क्रिएट करते हैं क्लस्टर को, ठीक है। बेसिकली क्या होता है मतलब कि कंप्यूटर जैसे मैं क्रिएट किया हुआ दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे देखिए मतलब कि बेसिकली एक कंप्यूटर पावर को में ही मतलब आपको जितने होते हैं क्लस्टर मिलते हैं, ओके। फिर मैं बात करूँ मतलब कि दूसरा मैं बात करूँ मतलब क्लस्टर हो गया, फिर नोटबुक। नोटबुक क्या होता है, बेसिकली नोटबुक में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें मतलब कि डेवलपमेंट करना होता है, जैसे मतलब पाइथन का हो गया, स्पार्क एसक्यूएल हो गया, तो क्या होता है उसमें आपको मतलब कि नोटबुक के अंदर आपको सेल मिलती है, सेल कमांड मिलती है। सेल कमांड के अंदर ही आप मतलब कि कोई फाइल एक्सेस करना है, या सीक्वल क्वेरी मतलब कोई स्पार्क एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, या आपको मतलब कि पाइथन पे कोई भी मतलब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है, कोड एग्जीक्यूट करना है, तो हम मतलब कि नोटबुक के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर ही हम अपना सब मतलब कि जितने भी स्क्रिप्ट होते हैं सब राइट करते लिखते हैं। उसके बाद जब सेल को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या कहता है आपको मतलब कि जो भी आउटपुट होगा आपके मतलब कि कोड का उसका आपको प्रोवाइड कराएगा आउटपुट को, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल जो होते हैं आपके मतलब सिक्वेंशियल होते हैं, 1 2 3 4 5 में रन होते हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ नोटबुक में सेल कहाँ पर होते हैं, ठीक है। जाएंगे यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मतलब हमारे पास वर्क स्पेस के अंदर जाएंगे आप यहाँ पर, तो वर्क स्पेस के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको मतलब कि यूजर होते हैं, ठीक है। यूजर के अंदर मतलब कि क्या होता है, आप जब भी जाएंगे, जैसे यूजर है, मान लीजिए यूजर है, उसके अंदर जब जाएंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जो है मतलब कि नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जब जाएंगे आप यहाँ देखिए, जैसे न्यू नोटबुक, जैसे नोटबुक आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर, ठीक, नाम दे दिया आपने एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम दे दिया, डेमो नोटबुक, ठीक है, ये नोटबुक हो गया। जैसे आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपको क्या होगा, एक इन्वायरमेंट देखिए, एक इन्वायरमेंट मिल गया है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप मतलब कि जो भी क्वेरी मतलब स्पार्क एसक्यूएल हो गया, चाहे आपका देखिए जैसे ये आपका पाइथन के लिए है, पाइथन के लिए है, सेम ऐसे मतलब स्पार्क के लिए, स्काला के लिए, आर लैंग्वेज के लिए, ठीक है, जो भी मतलब है आप इस सेल के अंदर लिखेंगे आप, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे 1 2 3 जितने भी मतलब आप नोटबुक लिखेंगे इसी के अंदर आपका सभी कोड क्या एग्जीक्यूट होते हैं, और मतलब कि आपको आउटपुट जो है यहाँ पर आपको मतलब कि एग्जीक्यूट हो गया तब आप आउटपुट आपको रिटर्न करता है, ठीक है, ये नोटबुक होता है। बेसिकली इसके अंदर सब राइट करते हैं। जॉब्स क्या होता है, बेसिकली जॉब की मैं बात करूँ, जो भी कोड आप लिखते हैं नोटबुक के अंदर, जो भी कोड लिखते हैं, जो भी मतलब होता है वो एक मतलब जॉब क्या करता है, एक मैकेनिज्म होता है जो कि मतलब कि आपको एग्जीक्यूट करता है, आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। डेटाबेस पे नोट कंप्यूट पावर पर जाकर जॉब ही जाकर मतलब उस पर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ लाइब्रेरीज की, लाइब्रेरी क्या होता है कि लाइब्रेरी के अंदर हम थर्ड पार्टी कोई भी मतलब मान लीजिए कि आपका कोड है, थर्ड पार्टी मतलब कि कोई मतलब कि लाइब्रेरी है, ठीक है,
जो कि नोटबुक के अंदर आप मतलब उसको रन करना चाहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, जैसे मतलब कि हम थर्ड पार्टी मतलब लाइब्रेरी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं क्लस्टर में जाके, उसके बाद उसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल बात करूँ मैं, क्लस्टर के अंदर लाइब्रेरी कहाँ मिलेगी आपको, मैं शुरू कर देता हूँ यहाँ पर क्विकली। जैसे मतलब क्लस्टर अभी हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है, जब भी हम कोई क्लस्टर क्रिएट करते हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल तौर पर क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा लाइब्रेरी एडवांस में जब जाएंगे ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पर देखिए मतलब लाइब्रेरी मिल जाएगी यहाँ पर, मतलब जितनी भी होती हैं, सॉरी एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है आप नहीं, आई थिंक क्रिएट होने के बाद मतलब आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। कैसे कैसे हम इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, अपकमिंग वीडियो में हम इसका सेपरेट एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी कैसे हम कैसे रखते हैं, ठीक है। और बेसिकली दूसरा ये है कि मतलब जो भी लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी को मतलब कि अपने मतलब फोल्डर के अंदर भी लाइब्रेरी मतलब यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कौन सी लाइब्रेरी है, जाएंगे आप नई लाइब्रेरी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, खुद की लाइब्रेरी बना सकते हैं, खुद की लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी हमारी क्रिएट लाइब्रेरी, किस पर क्रिएट करना है, कोई लाइब्रेरी अपलोड करना है, या आपको मतलब कि किस टाइप की अपलोड, मतलब एग्जिस्ट अपलोड करना है या सोर्स करना है, या मतलब कौन सा है, मेवन है क्या है, ठीक है, ये लाइब्रेरी टाइप होते हैं, सोर्स होता है, फिर आपको मतलब कि आपका ऑप्शन नेम है, उसके बाद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका लाइब्रेरी का कंसेप्ट है यहाँ पर, तो इसको मतलब अपकमिंग वीडियो में और डिटेल देखेंगे। बेसिकली जहाँ तक हम थर्ड पार्टी कोड को जो मतलब कि अपने नोटबुक में इन्वॉल्व करने के रन करने के उसका यूज़ करते हैं लाइब्रेरी का, ओके। फिर चौथा डेटा है, मैं डेटा की बात करूँ कि डेटा क्या होता है, कि हम मतलब कि कोई भी डेटा होता है, जैसे मतलब कोई फाइल सिस्टम है, मान लीजिए आपका स्टोरेज अकाउंट है, स्टोरेज अकाउंट में डेटा पड़े हुए हैं, तो हम डेटा क्या करेंगे, हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, अपने क्लस्टर के अंदर मतलब डेटा ब्रिक्स के अंदर डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे। उस पर जो है हम क्या कर सकते हैं कि इंपोर्ट करने के बाद हम मतलब कि इजीली जो है उसको एक्सेस करेंगे, हम नोटबुक के अंदर एक्सेस करेंगे, रन करेंगे, अपने हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन क्वेरी अप्लाई करना है उसको हम इजीली करते हैं, ठीक है। जैसे इसका कहाँ पर आता है आपको करने के लिए, मैं उसको शुरू कर देता हूँ क्विकली, ठीक है। डेटा का यूज़ करने के लिए डेटा मतलब कि जब हम जाएंगे, जब भी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक डेटा मिलेगा, ठीक है, एक डेटा ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, यहीं पर देखिए मतलब कि टेबल क्रिएट करना है, क्या करना है, मतलब न्यू टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, जो भी टेबल जैसे स्त्री हो गया टेबल, जहाँ भी करना है, जैसे डेटा जहाँ से इंपोर्ट करना है, यहाँ से जब इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद यहीं पर जाके आप मतलब कि टेबल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मतलब कि डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, या कोई फाइल है, फाइल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब थर्ड कोई भी मतलब फाइल होती है उसको हम यहाँ पर एक्सेस करने के लिए डेटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर फाइल्स क्या होती हैं, बेसिकली फाइल्स क्या होता है कि फाइल्स को हम मतलब कि फाइल के अंदर कोई भी मतलब जैसे आपके पास मॉड्यूल हो, आपने मॉड्यूल क्रिएट कस्टम मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, उसका फाइल के अंदर रखते हैं। जैसे आपने मतलब कि कोई रीडमी फाइल बना रहे हैं, ठीक है, रीडमी फाइल के मतलब क्रिएट करने के करते हैं, कोई CSV फाइल है, स्मॉल डेटा उसका मतलब स्टोर करने के करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट फाइल है या लॉग फाइल है, इन सब फाइल को हम स्टोर करने के लिए मतलब कि हम फाइल का यूज़ करते हैं डेटाबेस में, ठीक है। फिर मैं बात करूँ रेपो के, रेपो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि रिपोजिटरी के अंदर मतलब कि हम क्या करते हैं कि जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए नोटबुक हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जो भी मतलब डेवलपमेंट करें, नोटबुक है, फोल्डर है, फिर आपके मतलब कि जो भी मतलब आपने डेटा है, मतलब जो भी आपने डेवलप किया हुआ है उसको हम डिप्लॉय करना चाहते हैं सबको, हम मतलब कि वर्जनिंग कंट्रोल मतलब हम गिट के अंदर गिट पर डिप्लॉय करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं मतलब कि गिट पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, गिट पे हम स्टोर करना चाहते हैं जब वर्जन कंट्रोल के लिए रिपोजिटरी पे, तो हम रेपो का यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है, रेपो आपको कहाँ पर मिलेगा, जब हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको मतलब कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, सॉरी यहाँ पर जाएंगे रेपो का ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिए, जब रेपो पे जाएंगे यहाँ पर, तो आप मतलब कि अजूर एड रेपो, यहाँ पर जाके आप मतलब जो भी आपको रिपोजिटरी है मतलब जो जहाँ पर आपको सेव करना है, जैसे गिट रिपोजिटरी है, मतलब कि इतने सपोर्ट करता है, गिट सपोर्ट करता है, देख लीजिए गिट इंटरप्राइज सपोर्ट करता है, बिग बगैर सपोर्ट करता है, ठीक है, गिट लैब सपोर्ट करता है, अजूर डेवॉप्स, इतने सारी रिपोजिटरी मतलब कि अजूर जो है, अजूर माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो है डेटाबेस के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर रेपो क्रिएट करके आसानी से अपना कोड जो भी कोड है उस पर आप मतलब कि डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूँ उसके बाद क्वेरीज की, बेसिकली क्वेरी क्या होता है, क्वेरी आर द SQL स्टेटमेंट में अलाउ करता है कि आप डेटा को मतलब इंटरेक्ट करने के लिए आप क्वेरी का यूज करते हैं। जैसे आपको मतलब डेटा पड़ा हुआ है, मतलब कि डेटाबेस डेटा में आपको क्वेरी को इंटरेक्ट करना है, डेटा को देखना है, रिपोर्ट गेट करना है, कोई भी SQL क्वेरी मतलब उस पर आपको स्पार्क SQL बेसिस होता है, स्पार्क SQL आपको क्वेरी मतलब एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं क्वेरी यूज करते हैं। बेसिकली क्वेरी की यूज आपको कहाँ पर मिलेगा, जब भी जाएंगे आप मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जब जाएंगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर SQL कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जाके आप मतलब कि ईजिली से कोई भी क्वेरी है यहाँ पर जाकर देख लीजिए मतलब कि सॉरी क्वेरी के अंदर जाएंगे आप,
इसे देखिए, इतनी टाइप से क्वेरीज हमने रन किया हुआ है। आप खुद का क्वेरी जाके, मतलब खुद की क्वेरी क्रिएट करके, एडिटर ओपन करके क्वेरी क्रिएट करके, जो भी मतलब की रिपोर्ट आपको गेट करनी है अपने डेटा सोर्स से, आप उसका मतलब की यूज़ कर सकते हैं, डेटा सोर्स में उसका यूज रन कर सकते हैं। उसका अपने मीडियम सेपरेट सेपरेट हम मतलब बनाएंगे और सबको हम रन करके आपको दिखाएंगे कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली अब आज के वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर मतलब एसेट होते हैं, ठीक है, बेसिकली क्वेरी होता है डेटा को गेट करने के लिए। ठीक है, भी मैं डैशबोर्ड की बात कर रहा हूँ। आपका डैशबोर्ड क्या होता है, मतलब डैशबोर्ड मतलब आर रिप्रेजेंट द क्वेरी वर्चुअलाइजेशन एंड मतलब कमेंट्रीज, मतलब समथिंग ये मतलब रीजन करता है। जो भी क्वेरी रन करते हैं, ठीक है, उस क्वेरी को डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। डैशबोर्ड मतलब बेसिकली हमने क्या किया, एसक्यूएल क्वेरी बना लिया है। एसक्यूएल क्वेरी बना के जैसे हम चाहते हैं मतलब कि कोई डैशबोर्ड, मतलब जैसे इम्प्लॉई है, कितने इम्प्लॉई हमारे हैं, कितने एक्टिव इम्प्लॉई हैं, कितने मतलब कि आपके इनएक्टिव इम्प्लॉई हैं, कितने इम्प्लॉई एक महीने में ऐड हुए हैं, इस टाइप का रिपोर्ट डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं क्वेरी से करके, आप बना के इजीली से डैशबोर्ड क्वेरी में। ठीक है, आप इसका मतलब जो है यहाँ पर जाएंगे आप, ठीक है, एक डैशबोर्ड ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर जो है, मतलब कि जो भी मतलब सिंपल डैशबोर्ड या डैशबोर्ड जो है एक यूआई बेस में या मतलब चार्ट के बाद बेस में जो भी मतलब डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहे आप इसका यूज यहाँ पर क्रिएट करते हैं डैशबोर्ड में। ओके, फिर अलर्ट, अलर्ट जो होता है लास्ट आपका है जो मतलब एसेट है, अलर्ट है। अलर्ट क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं कि अलर्ट में कोई भी मतलब मान लीजिए आपको मतलब एक नोटिफिकेशन के लिए हम अलर्ट क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई क्वेरी है वहाँ पर आपका थ्रेशोल्ड आपका मतलब कंप्लीट रीच हो गया, पहुँच गया आपका, ठीक है, मतलब कि इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्वेरी का यूज़ करते हैं, मतलब अलर्ट का यूज़ करते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आपको क्रिएट करना है उसके लिए हम अलर्ट क्रिएट करेंगे। अलर्ट आप कहाँ क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली जब जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, आपको देखिए एक अलर्ट मिलेगा यहाँ पर, इसके अंदर जाके आप मतलब कि नया अलर्ट जो भी मतलब जरूरत है यहाँ से आप मतलब अलर्ट तक अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अलर्ट क्यों क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितने मतलब इसके मेन कोर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मतलब दिया हुआ देख लीजिए उबर कस्टमर या मतलब ये मतलब जितने ये सब का अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में इसके बारे में और डिटेल हम देखेंगे, हम मतलब डिटेल में कैसे अलर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि इतने आपके कोर मतलब कि डेटाबेस के कोर एसेट होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया वन बाई वन सभी के बारे में। ओके, एंड मैं बात करूँ, सेकंड बात करूँ मैं आपका मतलब लाइब्रेरी मतलब कि शॉर्टकट, शॉर्टकट हम कहाँ पर कैसे यूज करते हैं इसको मैं थोड़ा सा आज ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पर। शॉर्टकट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मतलब जैसे आपको जैसे आपको मतलब कोई भी रन करना मान लीजिए, ठीक है, या तो आप मतलब कि मेनोरी जाकर रन करिए। यहाँ पर देखिए जैसे आपके पास ए मतलब कि एग्जाम्पल मैं शो कर दूँ आपको, नोटबुक में जाएंगे मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास एक मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक नोटबुक है, ठीक है, अब एक नोटबुक है इसको हमें कोई भी क्वेरी लिखा रन करना है, तो रन करने के लिए या तो हम जाएं यहाँ से इसको हम मतलब कि जाकर यहाँ पर या रन करें, यहाँ पर वन बाय वन सबको रन करें, यहाँ पर देख लीजिए मतलब तो रन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रन करने कोई ऑप्शन नहीं होता क्या, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसको हम इसका रन सॉरी एक देखिए रन सेल होता है इसका यूज़ कर लीजिए मतलब कि सभी सेल को रन करने के लिए। ठीक है, या तो आप मतलब सभी आल से आल के लिए ये होता है, बट आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे यहाँ पर देखिए कितने शॉर्टकट होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको कंट्रोल इंटर प्रेस कर देंगे आपका सेल जो रन हो जाएगा। ठीक है, आप अल्ट शिफ्ट इंटर कर देंगे जितने मतलब आपके सेल हैं सभी कमांड रन होंगे। ऐसे करके मतलब आपको देख लीजिए मतलब कि इंसर्ट नया सेल मतलब कि ऊपर मतलब ऐड करने के लिए सेल के ऊपर ऐड करने के लिए आपको पी करना पड़ता है, नीचे ऐड करने के लिए मतलब कंट्रोल अल्ट या प्रेस करना पड़ता है। ऐसे करके आपको मतलब देखिए मल्टीपल शॉर्टकट है जिसका यूज जो है हमेशा आप मतलब कि आपके प्रोग्रामिंग को मतलब कि डेटाबेस को यूज़ करने के लिए बहुत ईजी और आसान बनाता है, हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपको आपके लिए बहुत ईजी होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हम कहाँ पर मतलब कि कैसे यूज करते हैं ये मतलब कि। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो हमारा एजेंडा था उसमें हमने क्लियर कर दिया। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।